आज हम फॉर्म के अंदर शेयर पॉइंट के अंदर सीखेंगे कि किस तरह आप ऑनलाइन फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म किस तरह आप बनाते हैं शेयर पॉइंट के अंदर, आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह डिज़ाइन किया जाता है फॉर्म वगैरह, कैसे फील्ड्स वगैरह डाली जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें टाइटल सेट कर देते हैं, ऑनलाइन फॉर्म। अब सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर जाके हम यहाँ से लेंगे ASP.NET Control के अंदर आप लेंगे More ASP.NET Control, जिसके इसके लेने से आपके पास फॉर्म डिजाइन करने के आपके पास टूल्स खुल जाते हैं। अब आपके पास साइड में ये टूल बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा आपके पास फॉर्म का। आप फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप इसमें फॉर्म सेलेक्ट कर लें। आप फॉर्म पर डबल क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो भी आपका काम होगा इस फॉर्म के अंदर ही होगा। सबसे पहले हमने नेम फील्ड बनाई, सारा इसी के अंदर सेट करेंगे। नेम फील्ड के अंदर यहां से आप सेलेक्ट कर लेंगे इनपुट टेक्स्ट। नेम के लिए आप क्या सेलेक्ट करेंगे, इनपुट टेक्स्ट फील्ड। इस पर आप डबल क्लिक कर देंगे बटन के ऊपर। अगर आपके पास डबल क्लिक नहीं हो रहा तो आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दें, आपके पास फील्ड क्रिएट हो जाएगी टेक्स्ट की। आप जितना बड़ा छोटा करना चाहें आपकी अपनी मर्जी है। अब उसके बाद अब आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के लिए भी आपने यहाँ से इनपुट टेक्स्ट क्रिएट किया और यहाँ से इसकी फील्ड बढ़ा दी। उसके बाद अब आपने ईमेल एड्रेस क्रिएट किया और ईमेल एड्रेस के लिए भी आपने डबल क्लिक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देंगे आप इसमें। उसके बाद आपने सेट किया पासवर्ड। अब पासवर्ड सेट करने के लिए जब हम पासवर्ड लगाते हैं तो आपके पास इसमें डॉट डॉट शो हो रहे होते हैं पासवर्ड के, तो इसमें वो पासवर्ड के ऑप्शन लाने के लिए आप क्या सिलेक्ट कर लेंगे, इनपुट पासवर्ड। इन पर डबल क्लिक कर लेंगे इनपुट पासवर्ड। अब आपने उसके बाद सिलेक्ट करना है इसमें जेंडर में दो ऑप्शन आप सेट कर लेंगे, जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगा इसमें इनपुट रेडियो बटन। इनपुट रेडियो बटन के आगे हम लिखेंगे मेल, उसके बाद दूसरा इनपुट रेडियो बटन और यहाँ लिखेंगे फीमेल, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन के लिए हम यहां से आप लिखेंगे लेंगे ऑप्शन इनपुट चेक बॉक्स, जिसमें आप चेक लगा सकते हैं मैट्रिक। सेकंड डबल क्लिक कर लेंगे, यहां से इंटरमीडिएट, तीसरा ग्रेजुएशन एंड चौथा आप सिलेक्ट कर लेंगे मास्टर। अब आपने इनको छोटा कर लेना है ताकि ये हेडिंग की तरह बड़े बड़े ना दिखे। फिर आपने उसके बाद सिलेक्ट कर लेना है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए हम दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। इनपुट टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लिया आपने, या आपने डिस्क्रिप्शन दे दी। अब उसके बाद अब आपने सिलेक्ट कर लेना है नेशनैलिटी के लिए आप सिलेक्ट कर लेंगे डबल क्लिक टेक्स्ट एरिया बटन। टेक्स्ट एरिया में मल्टीपल फील्ड्स आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग कर दिया।
अब आपने इसमें क्या करना है, डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने से इसकी प्रॉपर्टी ओपन होती है। इनिशियल वैल्यू के अंदर आपने इसमें कंट्रीज डाल देने, पाकिस्तान, इंडिया, जर्मन, फ्रांस, सऊदी अरब, ये आपने फील्ड्स बना देनी है इसके अंदर, तुर्की, इटली, ओके। तो जो भी आपकी नेशनैलिटी होगी, कंट्री होगा, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट आ जाएंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए तीन चीजें हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तीन दफा बटन लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास डेट ऑफ बर्थ के लिए ऑप्शन होता है ड्रॉप डाउन बॉक्स, जिसमें आप फील्ड्स मल्टीपल आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ड्रॉप डाउन बॉक्स पे आपने डबल क्लिक किया, एक बटन आ गया, फिर आपने अगेन ड्रॉप डाउन बॉक्स लिया, सेकेंड बटन, फिर ड्रॉप डाउन बॉक्स लिया, तीसरा बटन आपके पास। अब वन बाय वन आपने इन पे डबल क्लिक किया, ऐड में जाएंगे और यहाँ पे आपने वैल्यू ऐड कर देनी। अगेन क्लिक ऑन ऐड वैल्यू, फिर वैल्यू, इसी तरह आपने वैल्यूज को ऐड करने। 31st तक आपने वैल्यू पुट करनी है, फिर अगेन ऐड में जाएंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ओके, जितने भी आपने डालने। इसी तरह आप नेक्स्ट, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, तीनों फील्ड्स कंप्लीट हो गई। अब आपने यहाँ पे यूज करना है अपलोड फाइल, किसी भी का ऑप्शन दे दिया, कोई फाइल अटैच कर दी। यहाँ से आप लेंगे डबल क्लिक इनपुट फाइल, इनपुट फाइल आ गया। अब यहाँ पे हमने सेट किया फॉर्म, सबमिट बटन दे दिया, जिससे आप ब्राउज से जाके, अब देखिए इनपुट फाइल में क्या होता है कि ब्राउज से जाके आप कोई भी फाइल अटैच कर देते हैं फॉर्म के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब के लिए फॉर्म फिल कर लें तो आप अपनी CV अटैच कर सकते हैं इसके साथ। अब फॉर्म के लिए सबमिट करने के लिए यहाँ पे हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक इनपुट सबमिट बटन, ये फॉर्म को आगे सबमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह उसके बाद और इनपुट रीसेट बटन, फॉर्म को रीसेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हुआ। अब आपने इसको कोई कलर ऐड करना है तो कलर आप ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। अब आपने इसका रिजल्ट देखना है, F12 आप प्रेस कर देंगे टू सी रिजल्ट। इसको ब्राउजर चेंज कर देते हैं, ब्राउजर चेंज करने से गूगल पेज में खुलेगा, जिससे आपको आसानी से पता चलेगा कि इस तरह फॉर्म डिजाइन होगा। ये देखिए, ये आपका फॉर्म, नाम, खान, ईमेल, डेली, सियासत, @gmail.com, पासवर्ड आप सेट कर दें इसमें, मेल, फीमेल, क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, कमेंट्स, जो भी आपने ऐड करने कमेंट्स इसके अंदर, लाइक, सब्सक्राइब, चैनल, इसी तरह आप यहाँ से फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी। ये देखिए आपकी कंट्री सेलेक्ट हो, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएंगे, किस तरह आपने डेट सेलेक्ट करनी है, चूज फाइल, आप कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं माई कंप्यूटर ओपन करके आप। रीसेट करेंगे, अगेन रीसेट हो जाएगा सबमिट, आगे फॉरवर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था आपका फॉर्म
कि किस तरह ऑनलाइन फॉर्म डिजाइन किया जाता है, इंटरनेट का फॉर्म कैसे बनाया जाता है।